बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक सेल मेम्ब्रेन के हवाले से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने स्ट्रक्चर के हवाले से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का पोर्शन पढ़ा था और उसकी केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस तरह फंक्शन करती है? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है सेल की, और ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन भी दे रही है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रख रही है। उसके साथ साथ ये जो है सेल को, जो सेल की लिविंग एरिया है, उसको एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। तो सेलुलर एनवायरनमेंट जो सेपरेटेड है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से, वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एनवायरनमेंटल की मेंटेनेंस के लिए या लाइफ की मेंटेनेंस के लिए सेलुलर एक्टिविटीज़ जो मेंटेन रख रहा है सेल अपनी एक्टिविटीज़, उनके लिए उनको जो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, वो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर भी हो रहे हैं, और जो वास्ट प्रोडक्ट यूजलेस प्रोडक्ट जो बन रहे हैं सेल के अंदर, वो सेल से बाहर भी निकल रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेट। और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है मॉलिक्यूल्स की सेल से बाहर या सेल्स के अंदर, उनके लिए जो मीडियम होता है, वो मीडियम जो है वो थ्री टाइप का होता है। तो पहले मीडियम जानते हैं कि किस किन टाइप का होता है। एक होता है आइसोटोनिक इन नेचर, आइसोटोनिक इन नेचर। दूसरा होता है हाइपोटोनिक इन नेचर, हाइपोटोनिक इन नेचर। और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। सेल के अंदर या सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है, वो डिपेंड करती है मीडियम पे। तो मीडियम में सॉल्यूशन जो सराउंडिंग में है सेल के या सेल के अंदर है, सेल का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है एनिमल्स की बॉडी के अंदर, वो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। प्लांट की बॉडी के अंदर वो सेप कहलाता है, और सेल के अंदर का मीडियम जो है इंट्रा सेलुलर मीडियम कहलाता है। तो आइसोटोनिक ऐसा मीडियम है जिसमें अगर हम सेल को रखेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन सिमिलर होगी इंट्रा सेलुलर, तो कोई सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल इंटर नहीं हो सकेगा, नहीं सेल से बाहर निकल सकेगा। तो सेम कंडीशन है, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर सिमिलर है, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी। दूसरा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के सराउंडिंग की जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, वो है हाई देन लो इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर के सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है, तो मॉलिक्यूल्स इंटर होना शुरू हो जाएंगे सेल के अंदर, और सेल जो है वो सिलप होगा, बस्ट होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है देन इंट्रा सेलुलर। जब लो होगी तो लाजमी है सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और सेल श्रिंक करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटोनिक। अब इस कंडीशन की मेंटेनेंस के लिए हेमोस्टेट का प्रोसेस हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेल्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या सेल से बाहर, उनमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। दो मेन प्रोसेस हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं हमेशा हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर
कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, फ्रीली मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या सेल के अंदर फ्रीली मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, या सेल्स से बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें कोई एनर्जी अगर यूज़ नहीं हो रही है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अगेंस्ट कंसंट्रेंट ग्रेडियंट, मींस लो कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करें विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी यूज हो रहा है, तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो मेन प्रोसेस होते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमेशा सेमी परमेबल इन नेचर होती है। सेमी परमेबल वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है एंट्रेंस की या एक्सटेंस की, सिर्फ सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉलेज में बैठे हैं तो कॉलेज का मेन गेट है, उसमें सारे स्टूडेंट इंटर हो रहे हैं, लेकिन अंदर क्लासरूम के जो गेट होते हैं वो सेमी परमेबल हैं। फर्स्ट ईयर के क्लास में सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को परमिशन है, इंटर के स्टूडेंट को परमिशन नहीं है, तो वो सिलेक्टेड गेट होते हैं क्लासरूम के, तो सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट उसके अंदर इंटर हो सकते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इंटर हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को, इस मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो मेन प्रोसेस हो रहे हैं, एक ओस्मोसिस और दूसरा है डिफ्यूजन। ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दो प्रोसेस हो रहे हैं फ्रीली मॉलिक्यूल्स मूव। ओस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत सॉल्वेंट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर भी इंटर हो रहे हैं या सेल से बाहर भी निकल रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल। ओस्मोसिस का प्रोसेस सिर्फ सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है सेल्स के थ्रू, उनमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो ओस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। ओस्मोसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल्यूलर एनवायरनमेंट है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है। सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल 100 मौजूद हैं, 100% मौजूद हैं, और सेल से बाहर भी 100% मौजूद हैं, तो दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स की सिमिलरिटी है। लेकिन क्या होता है कि सॉल्यूट्स इसके अंदर फॉर एग्जांपल 20% सॉल्यूट पड़े हैं और इसके अंदर 40% सॉल्यूट पड़े हैं, तो सॉल्यूट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे सॉल्वेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वाटर फ्रीली मॉलिक्यूल्स 80% हो गया और यहाँ पे 60% हो गया, तो वाटर मूव करेगा सेल से बाहर निकलेगा, क्योंकि 80% से मूव करेगा टूवर्ड्स 60%, या हम ये कहें कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा ओस्मोसिस से मूव करते हैं फ्रॉम लोअर सॉल्यूट टूवर्ड्स हायर सॉल्यूट्स, दैट इज नोन एज ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस दो टाइप के होते हैं, एक है एंडोस्मोसिस और दूसरा है एक्सोस्मोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, फॉर एग्जांपल सेल के बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, क्या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम लो टू हाई, लो सॉल्यूट टू हाई सेल श्रिंक करेगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगा एक्सो ओस्मोसिस। अगर सेल के अंदर सेल को हम मीडियम दे रहे हैं सॉल्यूट का,
हाई टू ओ सॉरी लो टू हाई, लो टू हाई दे रहे हैं। सराउंडिंग में सेल के सराउंडिंग में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लो है और सेल के अंदर हाई है, तो वाटर जो है वो इंटर होना शुरू हो जाएगा, तो इसको कहते हैं एंडो ओस्मोसिस प्रोसेस। कोई एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर नहीं होती, फ्रीली वाटर मूव करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स कंसंट्रेशन के बेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सॉल्यूट्स मूव करते हैं, सॉल्यूट्स। ओस्मोसिस में क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और डिफ्यूजन में क्या है, सॉल्यूट्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन हो रही है उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल, दूसरी है फैसिलिटेटेड। ऐसे सॉल्यूट्स जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं, मीन्स फैट सॉल्यूबल हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर पे मुश्तमिल होती है और उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि टेल रीजन पे मुश्तमिल होता है और उसमें फ्लूडिटी भी होती है, मोज़ेक नहीं बनता लेकिन लिपिड बायलेयर से फ्लूड पोर्शन बनता है। तो इस हाइड्रोफोबिक पोर्शन से डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्यूट्स इंटर हो रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। सिर्फ फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली इंटर हो रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। दूसरे हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा है कि ट्रांसप्रोटीन्स होते हैं, ये ट्रांसप्रोटीन्स चैनल बनाते हैं और इस चैनल के थ्रू ये प्रोटीन्स फैसिलिटी दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को एंट्रेंस की, कार्बोहाइड्रेट्स इन चैनल्स के थ्रू इंटर हो रहे हैं ग्लूकोज फार्म में सेल के अंदर, तो ये ट्रांसप्रोटीन्स फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये फैसिलिटी के थ्रू मीन्स ट्रांसपोर्टर जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड विदाउट एक्सपेंड, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, सिर्फ चैनल प्रोटीन फैसिलिटी दे रहा है एंट्रेंस की, चैनल बना रहा है, इस चैनल के थ्रू फ्रीली मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे हैं सॉल्यूट्स, तो इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के भी दो प्रोसेस होते हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस हैं जिसके तहत मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटर हो रहे हैं। फैट सॉल्यूबल वो इंग्रेडिएंट हैं जो फैट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ गैसेस जो हैं वो भी डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इंटर हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, या लिपिड्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल ये फ्रीली इंटर हो रहे हैं फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। गैस भी डायरेक्टली डिफ्यूज होते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके तहत मॉलिक्यूल्स इंटर हो रहे हैं लेकिन एटीपी यूज हो रही है, एटीपी एक्सपेंड। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिस प्रोटीन्स पड़ा है जो रोटेट करता है, इस सिस प्रोटीन्स के अंदर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आके रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, फिर यहाँ से एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ने
फास्फेट रिलीज किया तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ये फास्फेट जैसे टच होगा तो ये रोटेट कराएगा और ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करके इस मॉलिक्यूल्स को लेकर सेल के अंदर पहुंचाएगा, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी यूज हो रही है और मॉलिक्यूल्स कैरियर या ट्रांसपोर्टन के थ्रू रोटेट होके एंटर हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद तीसरा जो टाइप है वो है एंडोसाइटोसिस का। इंटेंस ऑफ सॉल्यूट्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। दो फॉर्म ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या लिक्विड फॉर्म ही होते हैं या गैस फॉर्म ही होते हैं। तो उनकी जो इंट्रेंस है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एक है फेगोसाइटोसिस, जिसको सेल ईटिंग कहते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस। ईटिंग खाना हम खाते हैं, तो सॉल्ट फॉर्म में जो खाना होता है वो हम ईट करते हैं। इसी तरह सॉल्ट फॉर्म में अगर कोई मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हो रहा है तो उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड फॉर्म में फूड एंटर हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, जिसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। विस ये प्रोसेस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अपर सरफेस पे ये सॉल्ट फॉर्म में फूड पार्टिकल मौजूद होता है। ये फूड पार्टिकल जैसे ही टच होगा सेल मेम्ब्रेन से तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड बनना शुरू हो जाएगा और इस फोल्ड के अंदर खाना आ जाएगा। फिर ऐसे फोल्ड के दोनों साइड्स मूव करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर और ये मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो खाना जो है वो इंटर हो जाएगा और ये जो कहलाएगा फेगोसोम। क्या कहलाएगा? फेगोसोम कहलाएगा। और ये फेगोसोम जैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो इससे लाइसोसोम टच होगा। क्या होगा? लाइसोसोम जो है वो टच होगा, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो लाइसोसोम जैसे टच होगा तो ये फेगो लाइसोसोम कहलाएगा, फेगो लाइसोसोम कहलाएगा, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके इस फूड को जो है वो डाइजेस्ट करेगा। तकरीबन 32 एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर जो फूड की डाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं, ये सारे हम लाइसोसोम के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये फूड की इंट्रेंस जो हो रही है सॉल्ट पार्टिकल में, तो इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, सेल ईटिंग प्रोसेस। उसके बाद है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लिक्विड फॉर्मी फ्लूड फॉर्मी न्यूट्रिशन होती है। जिस तरह हम अगर खाना खा रहे हैं ईट कर रहे हैं सॉल्ट फॉर्म ईट करेंगे, लिक्विड फॉर्मी दूध तो हम ईट नहीं करेंगे, उसको ड्रिंक करेंगे। इसी तरह लिक्विड फॉर्मी न्यूट्रिशन अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर पड़ी है तो सेल उसको ड्रिंक करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। और ये लिक्विड फॉर्मी जैसे ही टच होगा तो सेम फ्लू फोल्ड बन जाएगा, इस फोल्ड में खाना आ जाएगा। फोल्ड के दोनों साइड मूव करके फोल्ड मूव करेंगे और ये टच हो जाएंगे, और टच हो जाएंगे तो ये खाना जो है इस फोल्ड में आ जाएगा, तो इसको पिनोसोम्स कहते हैं, पिनोसोम्स कहते हैं। और इसी पिनोसोम्स के साथ लाइसोसोम अटैच होगा डाइजेशन के लिए, तो पिनोलाइसोसोम कहलाएगा और ये फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये प्रोसेस पिनोसाइटोसिस कहलाएगा, ये प्रोसेस फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। तो ये
फेगोसाइटोसिस बेसिकली प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि